नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। जय विदर्भ पार्टी ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला, की पृथक विदर्भ राज्य की मांग। अनाज की कालाबाजारी करते आरोपी को किया गया गिरफ्तार, 150 से 175 बोरी अनाज किया गया जब्त। और 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर मुंबई न आए अनुयायी, प्रकाश आम्बेडकर का आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में जय विदर्भ पार्टी ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग करते हुए आंदोलन किया। इस दौरान विदर्भवादी नेताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के विदर्भ के बयान को लेकर नागपुर में जय विदर्भ पार्टी के कार्यकर्ताओं का केंद्र पर जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नित्यानंद ने कहा था कि अलग विदर्भ राज्य के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष अरुण केदार ने कहा कि नित्यानंद का बयान मूर्खतापूर्ण है। बाकी अलग राज्य बने, 370 निकाल दिया, लद्दाख बनाया, कृषि कानून तक वापस ले लिया, फिर विदर्भ ही क्यों? केंद्र के कानों में आवाज जाए इसलिए हम दिल्ली जाएंगे। ही 108 वर्ष जुनी अशी मागणी आहे। आपण स्वतंत्र नव्हतो तेव्हाही विदर्भ राज्यात होतं आणि त्याची पुन्हा मागणी करण्यात आली होती ब्रिटिशकालीनमध्ये। ती काही कित्येक वर्ष याचे आंदोलन सुरू झाले आणि या आंदोलनातून मात्र यांनी सर्व राज्य दिले, परंतु विदर्भ राज्य का नाही दिला ह्या घोळ अजूनही विदर्भीय जनतेच्या मनात आहे। हा पुतळा जाण्याचं कारण म्हणजे जे केंद्रातले डेप्युटी होम मिनिस्टर आहेत, उपराज्य नित्यानंदजी राय यांनी जे स्टेटमेंट काढलं की वा विदर्भाचा इशू हा लोकसभेत आहेच नाही, ह्या मूर्खपणाच्या पणाच्या स्टेटमेंटमध्ये आदरणीय मोदी साहेब यांनाही त्याची कल्पना राहिली नसावी असं वाटते। आणि त्यांचं जे उद्योग त्यांचे जे शब्द होते त्याला विरोध म्हणून आज आम्ही इथे त्यांचे पुतळे जाळून निषेध व्यक्त केलेला आहे। नागपुर के शांतिनगर पुलिस ने अनाज की कालाबाजारी करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के घर से करीब 175 बोरी अनाज जब्त किया गया है। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज है। शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत एक कुख्यात आरोपी वसीम ने अनाज का स्टॉक करके रखा था, जिसकी बिक्री करने वो जा रहा था। इस बात की गुप्त जानकारी शांतिनगर पुलिस को मिली थी। पुलिस इस जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद घर और वाहन की तलाशी ली गई, जहां पुलिस को अनाज भरा हुआ मिला। 150 से 175 बोरी माल जब्त किया गया। आरोपी पहले से ही शातिर अपराधी है, जिस पर 30 से 35 मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई एफडीए को सौंपी है। कल पोलीस स्टेशन शांतिनगर इथे एक गोपनीय माहिती मिळाली होती की पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारा एक कुख्यात गुन्हेगार वसीम चिरया हा काही धान्य स्टॉक करून ठेवलेला आहे आणि विक्रीस घेऊन जात आहे। अशा मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून स्टाफसह आम्ही रवाना झालो आणि त्या ठिकाणी जाऊन शहाणीशी केली असता आम्हाला एका वाहनामध्ये माल लोडेड केलेला दिसून आला आणि त्याच्या घराची तपासणी केली असता घरामध्ये पण माल मिळून आलेला आहे। सदरचा माल हा साधारणतः 150 ते 175 पोती, म्हणजे जवळजवळ 16 ते 17 टन माल दिसून आला आणि तो संशयास्पदरित्या होता। त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे कुठलीही खरेदी विक्री व्यवहाराबाबतचे पावत्या किंवा बिलिंग आणि सादर केलेले नाही आहे। संशय आल्यावरून आम्ही FDI डिपार्टमेंटला त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। त्या डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी रिसर पंचनामा केलेला आहे आणि पुढील कार्यवाही करीत आहेत।
वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने महापरिनिर्वाण दिन पर अनुयायियों से मुंबई न आने का आह्वान किया। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी ने खबरदारी लेनी चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर मुंबई में अनुयायियों से न आने की बात वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर ने कही। उनका कहना है कि रेलवे भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, एसटी की भी हड़ताल शुरू है, ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में मुंबई न आने का आह्वान उन्होंने अनुयायियों से किया। आप जिस जगह हो उसी जगह पर बाबा साहेब को मान वंदना देने की बात भी उन्होंने कही। शासनाने पूर्णपणे रेल्वे सुरुवात केलेली नाही, त्याचबरोबर एसटी महामंडळाचं संप आहे, कोरोनाचा नवा व्हायरस आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती याचा अंदाज कोणाला येत नाही, तेव्हा सर्व 6 डिसेंबरला येणाऱ्या लोकांना माझ्या असं आवाहन आहे की यावर्षीही आपण येणं टाळावं, शासनाने काढलेल्या नियमाला मान्यता द्यावी आणि आपल्या घरूनच आणि ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी आणि त्याच ठिकाणावरनं आपण बाबासाहेबांना मानवंदना यावर्षी करूया आणि संकल्प करू की बाबासाहेबांचा राजकीय पक्ष याला आपण तारू आणि त्याच्याचबरोबर त्या पक्षाच्या उमेदवाराला आपण मतदान करू, ही संकल्पना सर्वांनीच घ्यावी अशी मी विनंती करतो। जय भीम। नागपूर मनपा के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा बस का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। एलकेएम कंपनी और सह्याद्री फाउंडेशन के सहकार्य से विद्यार्थियों का ये सपना साकार हुआ। नागपुर मनपा के स्कूल में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर आवश्यक था और अब मनपा के स्कूल में शिक्षा ले रहे गरीब विद्यार्थियों को आधुनिक तंत्रज्ञान की शिक्षा लेने का सपना पूरा होगा। एलकेएम कंपनी द्वारा सीएसआर निधि से और सह्याद्री फाउंडेशन के सहकार्य से नागपुर महानगर पालिका को एक बस दी गई जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा की गई है। इस बस का गुरुवार को मनपा के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, एलकेएम कंपनी के प्रबंध निदेशक अय्यर श्रीनिवासन और मनपा शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्रीकोटकर के हाथों उद्घाटन किया गया। मकर धोकड़ा के मनपा हिंदी उच्च प्राथमिक स्कूल में उद्घाटन किया गया। महिलाओं को सुरक्षा देने में आघाड़ी सरकार असफल रही, ये कहना है भाजपा पदाधिकारी अर्चना वानखेड़े का। वर्धा में आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने राज्य की ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। वर्धा में भाजपा कार्यालय में महिला पदाधिकारियों की पत्रकार परिषद संपन्न हुई। इस दौरान महाराष्ट्र की सरकार को 2 वर्ष पूरे होने पर खुशी मनाई गई, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार असफल होने की बात उठाई गई। पत्र परिषद में जिला परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, वैशाली येरावार, जिला अध्यक्ष मंजूषा दूधबड़े, शहराध्यक्ष शीतल डोंगरे, प्रिया ओझा साथी अर्चना वानखेड़े ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। शक्ति कानून पर भी उन्होंने सवाल उठाए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्त्री जन्म दर बढ़ने से उनका अभिनंदन किया। आज या ठिकाणी आपण जी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे यामध्ये या सरकारला 2 वर्ष तर पूर्ण झालेले आहे, पण या 2 वर्षामध्ये हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, कारण महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। मग या सरकारला आपण काय म्हणावं, घरात बसणाऱ्या घरकोंबड्या सरकारला आपण काय म्हणावं की आज रस्त्यावर महिला येऊ शकत नाही आणि ती सुरक्षित नाही आहे। प्रत्येक वेळेला हे शक्ती कायदा आणू म्हणून सांगतात, तत्कालीन गृहमंत्री 2019 हिवाळी अधिवेशनामध्ये घोषणा केल्या, पण त्या घोषणेची अंमलबजावणी कुठेही झालेली आपल्याला दिसत नाही आहे। शेवटी जे गृहमंत्री आहे, जे घोषणा करतात, ते आज जेलमध्ये आहेत हे सर्वांना आपल्याला माहिती आहे। म्हणून असं वाटतं की महिलांनी आता शांत बसावं की महिलांनीच आपला सुरक्षेसाठी कायदा हातात घ्यावा, हा प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी आज निर्माण झालेला आहे। म्हणून आज भाजपा प्रत्येक ठिकाणी आवाज उठवून आंदोलने मोर्चे करून आपल्या सुरक्षेसाठी आपणच कायदा हातात घ्यावा का, हा प्रश्नचिन्ह आपल्यासमोर निर्माण झालेला आहे। आज केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे, आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्र सरकार तर पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे, पण केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे ते अत्यंत आपल्याला सर्वांना
उज्ज्वल भविष्यासाठी, महिलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी चांगलं काम या ठिकाणी करतात. केंद्र सरकारने ज्या नवीन नवीन योजना या ठिकाणी महिलांसाठी राबवल्या, ज्या उज्ज्वला योजना आहेत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुरक्षित मातृ वंदना, सुमन योजना, धनलक्ष्मी योजना, महिलांना सक्षमीकरणासाठी सिलाई मशीन असेल, अशा सुकन्या समृद्धी योजना, अशा भाग्यश्री या प्रकारच्या योजना राबवून आज आपल्याला माहिती आहे आपल्या देशामध्ये पुरुषांचं प्रमाण वाढलं होतं पण महिला या कुठेतरी कमी होत्या. पण त्यांचा जन्मदर आज आपल्याला वाढलेला पाहायला मिळतो आहे. म्हणजे 1000 पुरुषामागे 900 महिला असायच्या, तर आज 1000 पुरुषामागे 1000 वरती जवळपास त्याची संख्या वाढलेली आपल्या सर्वांना दिसते. म्हणून या ठिकाणी या पत्रकार परिषदच्या माध्यमातून मी केंद्र सरकारचे खूप खूप अभिनंदन या ठिकाणी करते की जे पाऊल केंद्र शासनाने या ठिकाणी उचललं आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मला असं वाटतं मी केंद्र सरकारकडेच मागणी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करणार आहे की महाराष्ट्र सरकार हे महिलांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण अपयशी आहे. तर या ठिकाणी केंद्र शासनाला मी या वर्धा जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या माध्यमातून विनंती करते की महिलांच्या सुरक्षेसाठी तुम्हाला या महाराष्ट्रामध्ये आघाडी सरकारची 2 वर्ष प्रतिपूर्ती झाली आणि त्या प्रतिपूर्तीच्या निमित्तानं या आघाडी सरकारने आनंद व्यक्त केला. परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये जर पाहिलं तर आनंदाची परिस्थिती आपल्याला कुठेही दिसत नाही. या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये जो महाराष्ट्र जिजाऊंचा आहे, जो महाराष्ट्र सावित्रीचा आहे, ज्या सावित्री माईने संपूर्ण देशामध्ये स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दालनं उघडली, अशा या महाराष्ट्रामध्ये आज या आघाडी सरकारच्या काळामध्ये महिलांची अतिशय दयनीय अवस्था झालेली आहे असं आपल्याला दिसते. कारण या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत असा एकही तालुका नाही की ज्या तालुक्यामध्ये दररोज महिलावर अत्याचाराच्या, अन्यायाच्या, बलात्काराची घटना कुठे घडली नाही असा एकही तालुका आपल्याला दिसणार नाही. आणि म्हणून आम्हाला असं म्हणायचं आहे की हे जे महाराष्ट्रातलं आघाडी सरकार आहे, हे सरकार महिलांची सुरक्षा करण्यासाठी संपूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे. कारण की 2 वर्षाच्या मुलीपासून तर 70 वर्षाच्या म्हातारीपर्यंत बलात्काराच्या छायेमध्ये संपूर्ण महिला या महाराष्ट्रामध्ये वावरतात आहे, अन्यायाच्या छायेमध्ये वावरतात आहे. आणि म्हणून कुठेही या आघाडी सरकारच्या काळामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आलेलं नाही आणि हे सरकार महिलांची सुरक्षा करण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरलेलं आहे असा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आमचा या सरकारवरती आक्षेप आहे. वक्त चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कल्याण में एक महिला का गहनों से भरा बैग एक रिक्शा में छूट गया था, लेकिन सीसीटीवी की मदद से 1 घंटे में ही पुलिस ने रिक्शा को ढूंढ निकाला और उसमें रखे गहने मानपाड़ा पुलिस ने जब्त किए. शादी समारोह निपटाकर शोभा गायकवाड़ महिला अपने परिवार के साथ घर लौटी, लेकिन वो गहनों से भरी बैग रिक्शा में ही भूल गई. रिक्शा का नंबर न होने से महिला के परिवार ने मानपाड़ा पुलिस थाने में इसकी शिकायत की.
पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रिक्शा को ढूंढ निकाला और महिला के 7 तोले गहनों से भरी बैग को उसे लौटाया। मात्र 1 घंटे में ही पुलिस ने रिक्शा को ढूंढ निकाला, जिसके लिए महिला ने मानपाड़ा पुलिस का आभार माना। मानपाड़ा पुलिस स्टेशनला एक महिला शोभा गायकवाड़ ह्या आल्यावर त्यांनी काल रात्री 9:30 आल्यावर त्यांनी सांगितले की मी रेल्वे डोंबिवली रेल्वे स्टेशन येथे उतरले, तेथे त्यांनी एका रिक्षामध्ये बसून ते त्यांच्या घरी दावडी येथे गेल्या। दावडी येथे त्या उतरल्या त्यांची बॅग त्या विसरून राहिल्या। त्यानंतर त्या पोलीस स्टेशनला आल्या, त्या बॅगमध्ये त्यांचे 7 तोळे दागिने होते। आल्यानंतर त्यांना तो रिक्षा नंबर माहीत नव्हता। आमच्या पोलीस स्टेशनचे त्वरित डीबी पथक API 1 वे व त्यांचे साथीदार यांनी रिक्षा नंबर नसताना सुद्धा त्वरित ते डिटेक्शन केलं व त्यांचे दागिने परत मिळवून दिले। माझे ना दागिने राहिले होते, बॅग राहिली होती त्याच्या रिक्षामध्ये, तर मी पोलीस स्टेशनला आले, त्यांनी दखल घेतली आणि माझे दागिने दिल्याबद्दल मी मानपाडा पोलिसांचे आभारी आहे। त्यांनी चांगलं आमचं हे काम केलेलं। यवतमाल में चोरों ने चाकू की नोक पर 2 भाइयों को लूटा। यवतमाल LCB की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भंडारा से भैंस लेकर उमरखेड़ जा रहे वाहन को एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार ने ओवरटेक कर रोका और चाकू की नोक पर 30 वर्षीय विनोद हरिचंद खेड़कर और 17 वर्षीय शुभम दिनकर खेड़कर दोनों भाइयों को पीटा और उनके पास से 15,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद कार में बैठकर मंगरूल के जंगल में ले गए और मालिक को फोन कर फोन पे के जरिए 10,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए, जिसके बाद दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया और वो वहां से भाग निकले। इस प्रकरण में विनोद खेड़कर ने आर्णी पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। आर्णी व यवतमाल की LCB टीम ने लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर्यादी विनोद खेड़कर हा दिनांक 18/11/2021 च्या रात्र दरम्यान 3:30 भंडारा जिल्हा नागपूर येथून आपल्या बोलेरो पिकअप मध्ये मैस घेऊन उमरखेड येथे जात असताना यवतमाळ नंतर तरोडा या गावाजवळ मागून येणाऱ्या 4-व्हीलर स्विफ्ट डिझायर या गाडीतील लोकांनी त्यांना थांबून त्यांच्याकडून 15,000 रुपये जबरदस्तीने हिसकावून घेतले आणि त्यानंतर यातील फिर्यादी आणि त्याचा भाऊ याला आपल्या स्विफ्ट डिझायरमध्ये बसून मांगूळ या जंगलामध्ये नेऊन चाकूचा धाक दाखवून त्याच्या मालकाकडून आरोपींनी आपल्या मित्राच्या मोबाईलवर गुगल पेच्या माध्यमातून 10,000 रुपये ट्रान्सफर करून घेतले आणि त्या फिर्यादी आणि त्याच्या भावाला तिथं सोडून दिले। यावरून आज आम्ही गुन्हा दाखल करून यातील आरोपी त्यांना LCBच्या मदतीने ताब्यात घेतलेले आहे। पुढील तपास चालू आहे। नागपूर के जरीबटका मेन मार्केट स्थित एक कपड़ा दुकान में बुधवार रात 11:45 भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि आग की घटना की वजह से परिसर में रात को अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद परिसर में नागरिकों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते आग ने विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद कपड़ा दुकान में आग लगी। सूचना मिलने के बाद महानगर पालिका के दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुगत नगर सिविल लाइन्स, कॉटन मार्केट कलमना लकड़गंज, त्रिमूर्ति नगर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेन मार्केट होने की वजह से यहां दुकान एक दूसरे से सटी हुई है। इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए दमकल ने तत्काल 8 गाड़ियां मौके पर रवाना की। क्या घटना हुई बताइए। रात को लगभग 10:30 हमारी दुकान में आग लग गई है। हम रात को 10:25 को अपने दुकान बढ़ा के घर को गए थे और 10:37 को हमें बाजू वाले दुकानदार की फोन आई कि आपकी दुकान में कुछ हुआ है और कुछ हुआ है। हम उसी समय आ गए वापस। हमारा रहना यही बेलपत्ता में है। हम 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जैसे ही हमने शटर को ओपन किया तो हमने देखा कि आग पूरी फैली हुई थी। क्या नाम का दुकान का नाम? हमारी दुकान का नाम न्यू सतगुरु कृपा गारमेंट है। कौन फायर गाड़ी कितने बजे आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग अंदाजन 11 बजे के करीबन आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वालों तत्काल आए और उन्होंने बुझाया और उन्होंने अपनी सर्विस अच्छी दी है, जिससे आजू बाजू की दुकानों में क्षति होने से बहुत बच गई, क्योंकि आजू बाजू में भी कपड़े की दुकानें हैं और लेकिन वो सही समय पे आने के है। गाड़ी कितनी आई थी? लगभग फायर ब्रिगेड की 8-10 गाड़ियाँ
आ चुकी थी, जिसमें से एक बड़ी गाड़ी भी थी जो पूरी रात भर ये दुकान पे पूरी आग बुझाने का काम किया और सवेरे तक के वो मशक्कत करते रहे। सवेरे लगभग 6 बजे के करीबन वो आग थोड़ी आग काबू में आ गई। जिससे ये बात सही है कि शराब इंसान से क्या क्या नहीं कराती। एक बार फिर नशा चढ़ जाए तो फिर इंसान कोई भी हरकत करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों से चोरी छिपे शराब पीते हैं। पकड़े ना जाए इस डर से बहाने भी तरह तरह के खोजते रहते हैं। इसी तरह की एक घटना हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आई। शराब पीने के बाद पति को लगा कि उसे पत्नी की डांट खानी पड़ेगी, तो उसने खुद के अपहरण की कहानी बनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गजेंद्र कोहरे पत्नी सुरेखा के साथ गुमगांव रोड स्थित महालक्ष्मी लॉन में काम करता है। मंगलवार की दोपहर वह पत्नी दवा लेने के लिए हिंगना गया था, लेकिन दवा लेने के बजाय अपने गले को शराब से तर किया। उसे नशा हो गया। घर के लिए निकला तो रात हो गई थी। इसी बीच नशे में होने के कारण उसकी बाइक किसी खेत में घुस गई। रात भर वही नशे में पड़ा। जब नशा कुछ उतरा तो पत्नी को फोन कर बताया कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। पत्नी घबरा कर हिंगना थाने पहुंची और सारी बात पुलिस को बताई। अपहरण की शिकायत मिलते ही पूरे जोन की पुलिस एक्टिव हो गई। कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। पूरी रात तलाशने के बाद भी गजेंद्र का पता नहीं चला। इस बीच बुधवार को सुबह उसने किसी अज्ञात नंबर से सुरेखा को कॉल किया और बताया कि वह ज्यादा नशा होने के कारण वह मिहान के किनारे वाले रास्ते पर पुल के नीचे सो रहा है। सुरेखा ने तुरंत पुलिस को यह जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नशे में धुत गजेंद्र को थाने लाया और पूछताछ करने पर अपहरण की झूठी कहानी बताई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।